अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे साथ है हमेशा की तरह वकार और आज हम जा रहे हैं इफ्तारी करने ग्रैंड मॉस्क बैरे टाउन में। अचानक हमारा प्रोग्राम बना है तो मेरे व्लॉग में पता चल जाएगा, कैसे व्लॉग में पता चल जाएगा। इसके व्लॉग का भी मैं लिंक दे दूंगा। प्रमोशन से नहीं बाहर आता है, नहीं प्रमोशन यार ना देखो यार, आपको पता नहीं चलेगा कैसे प्लान बना है। चलो ठीक है, खैर यार ज्यादा कुछ नहीं है, अभी चलते हैं वहाँ पे और आपको दिखाते हैं भाई क्या सूरत हाल है और किस तरह का रहता है। अचानक प्रोग्राम बना है, बस हमने सोचा कि यार अभी कंटेंट की भी कमी है तो क्यों ना ब्लॉग कर लेते। आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, अभी चलते हैं जाकर इफ्तारी करते हैं क्योंकि तकरीबन 5:30 हो ही गए हैं यहाँ पर ही हमें, और तकरीबन 6:22 पर रोजा खुल जाना है तो एक घंटा में ही रह गया। चलते हैं और जाके आपको दिखाते हैं, तो बने रहे ब्लॉग में। अगर ब्लॉग आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं जी, चलें। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम जामिया ग्रैंड मॉस्क बैरे टाउन में। मेरे पीछे आप देख सकते होंगे, अभी जाते हैं और जाके देखते हैं भाई कैसा एक्सपीरियंस रहता है। हम पहले भी आते रहते हैं कि लेकिन फर्स्ट टाइम हम रमज़ान में आ रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि बहुत ही प्यारी मस्जिद है। आपने वैसे मेरा व्लॉग देखा, अगर आपने व्लॉग नहीं देखा तो मैं आई बटन में दे दूँगा, वहाँ से आप व्लॉग देख लेना। और मिलते हैं आपको अफ्तार के बाद, थोड़ा सा मैं शॉर्ट्स वगैरह भी आपको दिखा दूँगा किस तरह की अफ्तारी रही है और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है। और बस इतना ही है, अभी आगे आपको जाके दिखाते हैं, आ जाओ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने दस्तरखान लगा दिया है। अभी तकरीबन आधे घंटे तक अफ्तारी होगी, आधा घंटा तकरीबन रह गया है, बाकी जो है ना मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और काफ़ी अच्छा बना हुआ यार, कोशिश यह है कि हमें भी अल्लाह तौफीक दे तो हम भी किसी दिन अफ्तारी करवाएं। ये तकरीबन 50 लोगों का होगा, बेसिकली ये सारी मुस्तहिक लोगों के लिए होती है, लेकिन हमने कहा हम भी क्यों ना उन लोगों में शामिल हो जाएं जो लोग इस्तात नहीं रखते। और हमारी भी कोशिश यही है कि हम भी लोगों को इफ्तार करवाएं इंशाल्लाह। नॉर्मल लोग ही ऐसा कोई बात नहीं, हम भी ऐसे करेंगे कर लेंगे। तो हमारा भी इरादा है कि इंशाल्लाह इस रमज़ान में नहीं हो सकता लेकिन नेक्स्ट रमज़ान हम भी कोई अच्छी इफ्तारी करवाएँ, और करना चाहिए हम सबको क्योंकि ये फ़र्ज़ है हम सब पे, और जिन लोगों के पास इस्तात है उन लोगों को करना चाहिए। बाकी जो है ना आपको लोग अफ्तार के बाद थोड़ा सा दिखा देंगे और नमाज के टाइम दिखा देंगे। और मैं आपको एक स्पेशल चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे डॉक्टर सबेल मैंने वैसे मेंशन किया हुआ है वकार के ब्लॉग में, वो भी आप देख लेना, मैं लिंक वगैरह दे दूँगा। डॉक्टर सबेल इधर तरावी करवाते हैं, आपको शायद पता भी हो, उन्हें मोटिवेशन स्पीकर भी हैं वो, उसके अलावा प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं वो। तो उसके अलावा जो है ना काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, अभी चलते हैं और जाके देखते हैं। कार हाउस योर एक्सपीरियंस, कैसा आपको फील हो रहा है? आप तो इधर बैरे टाउन में काफ़ी दिन बाद आ रहे हैं और आप रमज़ान में तो फर्स्ट टाइम ही आ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा बहुत अपनी ऑडियंस को ही उतार दें, मेरे ऑडियंस को उतार दें तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है? और इसके अलावा एक्सपीरियंस मेरा पहले जैसा ही है क्योंकि बहरिया टाउन आपको पता है घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, और मैं और घर सैकड़ों दफ़ा आया हूँ। सही, घर जैसा फील होता है, सैकड़ों दफ़ा ही आई है। और एक्सपीरियंस आज का थोड़ा सा अलग है क्योंकि मैंने डॉक्टर से का जैसे आपने मुझे बताया हाँ। तो उनसे मैंने मिलना था क्योंकि देखा ही है उन्हें वीडियोस वगैरह में काफ़ी, तो आज लाइव में देखूंगा तो दुआ करो कि मिल जाए हमें दवा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलेंगे ही उनसे यार, कोशिश करेंगे। पर अगर नहीं भी मिलते तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके अलावा वैसे आप कुछ बताना चाहेंगे रमज़ान के हवाले से, कोई मोटिवेशन दे दें कुछ ऑडियंस को, क्योंकि आप रमज़ान जा रहे हैं बिल्कुल एंड है, आप जो भी हमने हमारे गुनाह अल्लाह हमें माफ़ करे और हमें और भी रमज़ान ऐसे ही गुजारने की तौफीक दे। और उसके अलावा आप कुछ कहना चाहेंगे? कहना मैं यही चाहूँगा कि यार देखो रमज़ान साल बाद आता है तो कोशिश किया करें कि इस महीने में जितनी से ज़्यादा डोनेशन हो सकती है किया करें, ठीक है, इर्द गिर्द के लोगों का जितना ज़्यादा ख्याल हो सकता है रखें, रमज़ान के अलावा भी रखें, ज़रूरी नहीं है कि भाई रमज़ान में ही रखें, रमज़ान में तो जाहिर सी बात है रखना ही रखना, लेकिन उससे उसके अलावा भी रखना हमारा फ़र्ज़ है क्योंकि अक्सर लोग होते हैं ना कि रमज़ान में कुछ रमज़ान के बाद मतलब कहने का मकसद है, कुछ लोग सिर्फ नमाज़ें वगैरह रमज़ान में पढ़ रहे होते हैं, रोज़े रख रहे होते हैं, उसके बाद ना उन्होंने कभी रमज़ान उसका मुंह देखा होता है मस्जिद का, ना उन्हें कोई फिक्र होती है। तो बस यही है यार, हम कोई बहुत बड़े कोई आलिम नहीं है लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि दूसरों को कुछ मोटिवेशन दे सके। तो अभी थोड़ी देर तक मिलते हैं फिर दस्तरखान पे।
तो गाइस फाइनली इफ्तारी कर ली है और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी पढ़ ली है। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना। इस वीडियो में बस इतना ही है। एक्सक्यूज़ भी कर दूँ, डॉक्टर सबेल लेट हो गए हैं, वो नहीं आ सके, उत्तराखंड में आएंगे तो उनसे मुलाकात नहीं हो सकी और हमें थोड़ी सी जल्दी भी है, हम भी देर यहाँ पे रुक नहीं सकते, नहीं तो हम कोशिश कर रहे थे उनसे भी मुलाकात हो जाती। बाकी इंशाल्लाह फिर कभी उनसे मुलाकात हो जाएगी इंशाल्लाह। तो बाकी आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं यार, व्लॉग को लाइक कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।